नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 2451 नए मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 115,210। बिहार में बेकाबू कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीज की पुष्टि हो रही है। बिहार में आंकड़ा 1,00,000 से ऊपर पहुंच गया है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से मरने वाले का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। वहीं रिकवरी रेट देखा जाए तो बिहार का अच्छा नजर आ रहा है। बिहार में टूटा महागठबंधन, मांझे हुए महागठबंधन से अलग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट गया है। जीतनराम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। गुरुवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। चंद्रिका समेत आरजेडी के 3 एमएलए जेडीयू में शामिल। लालू के शमधी ने कहा, नीतीश पर बहुत भरोसा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इन तीनों विधायकों ने आज जेडीयू की सदस्यता हासिल कर ली। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। डीएम प्रणब कुमार ने चुनाव के लिए गठित विभिन्न निर्वाचन कोषांग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। भागलपुर को मिला वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार। भागलपुर जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत जिले को 1,50,000 रुपए दिए गए हैं। कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह पुरस्कार दिया। इसके अलावा पराली प्रबंधन विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। बिहार में जीविका दीदी ने लगाई एलईडी बल्ब की फैक्ट्री, अगले महीने से उत्पादन शुरू। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में भी जीविका दीदियों ने अपनी उद्यमिता बनाए रखी है। अब उन्होंने एलईडी बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री बनाई है। सरकार ने इस फैक्ट्री के लिए डोभी में 18,000 वर्ग फुट जमीन और भवन भी दे दिया है। अगले महीने से यहाँ 9 वाट के एलईडी बल्ब का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खास बात तो यह है कि बल्ब बाजार में प्रचलित अन्य ब्रांडों के बल्ब से काफी सस्ता और टिकाऊ होगा। बिहार के भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा। टूटे एक्सल बॉक्स के 200 किलोमीटर तक दौड़ती रही दिल्ली डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल। भागलपुर में दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही ब्रह्मपुत्र मेल टूटे एक्सल बॉक्स के साथ पटना से भागलपुर के बीच 225 किलोमीटर दौड़ती रही। इससे सफर कर रहे मुसाफिरों की जान पर बनाई। एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। कोच में सवार पैसेंजरों में अफरा तफरी मच गई। अगर ट्रेन भागलपुर से खुल जाती तो आगे चलकर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती, लेकिन रेलवे ने पूरी सतर्कता बरती और भागलपुर जंक्शन पर ही रेल अफसरों ने कोच को बदल दिया। इसके चलते ट्रेन करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई। दरअसल ब्रह्मपुत्र मेल पटना जंक्शन पर 2:50 पर पहुंची और 2:59 पर खुली। ट्रेन खुलने के बाद गार्ड कोच से 4 कोच पहले स्लीपर कोच S1 के कोच में आवाज़ सुनाई दी। मांझी की पार्टी का चुनाव चिन्ह लिया गया वापस, नए सिंबल के लिए किया गया आवेदन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी का चुनाव चिन्ह टेलीफोन छाप चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। पार्टी को अब दूसरा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। इसको लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चुनाव आयोग को आवेदन दिया। सीएम नीतीश ने 15,000 करोड़ रुपए का योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को सौंपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता फिर काम करने का मौका देगी तो हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे। गांव को गांव से जोड़ते हुए NHSS तथा प्रखंड तक आवागमन को और बेहतर बनाएंगे। इसकी कार्य योजना बनाने का निर्देश हमने दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को 1,992 करोड़ से बने ग्रामीण पथों और पुलों का उद्घाटन करने और साथ ही 13,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरम्भ करने के बाद वर्चुअल सभा को संबोधित कर रहे थे। मधेपुरा और गया मेडिकल कॉलेज की हालत देख भर के प्रधान सचिव अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तर और दक्षिण बिहार के 2 महत्वपूर्ण कॉलेज जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधेपुरा और
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल बोधगया के अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पटना ने लगाई लंबी छलांग, देश भर में 105वीं रैंक। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा में बिहार के पटना जिले ने भी स्वच्छता में अपना स्थान बनाया है। अच्छी खबर यह है कि पूर्वी भारत में पटना का 47वां रैंक है जबकि देश भर में 105वां रैंक। पटना नगर निगम ने वर्ष 2021 में पटना को देश भर में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य तय किया है। पहले से 1.5 गुनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं राजद और कांग्रेस। महागठबंधन में घोषित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर भीतर ही भीतर इसे लेकर कवायद चल रही है। राजद पहले से करीब 1.5 गुनी सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है, वहीं कांग्रेस भी पहले से ज़्यादा सीटें चाहती है। मांझी के जदयू के साथ जाकर NDA का हिस्सा बन गए, वहीं रालोसपा, VIP और वामदल महागठबंधन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस फिलहाल राजद के सामने बाकी सहयोगी दलों की अगुवाई करती दिख रही है। भागलपुर में गंगा उफान पर कई गांवों में मंडराने लगा बाढ़ का संकट, दियाड़ा क्षेत्रों में दहशत का माहौल। भागलपुर में गंगा उफान है। केंद्रीय जल आयोग बेतार केंद्र के स्थल प्रभारी सह कनीय अभियंता सौरभ कुमार ने बताया कि अब गंगा खतरे के निशान से महज 0.49 मीटर दूर रह गई है। प्रतिदिन जलस्तर में 12 से 15 सेंटीमीटर तक वृद्धि हो रही है। खतरे का निशान 33.68 मीटर है जबकि वर्तमान जलस्तर बुधवार की सुबह 8 बजे 33.19 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। वर्ष 2016 में उच्चतम बाढ़ का स्तर 34.72 रहा था। गंगा के रौद्र रूप को देख तटवर्ती गांवों में लोग अपने सामानों को सहेजना शुरू कर दिए हैं।